हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मारिया और जो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है चिकन विद मशरूम्स। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आप लोग देख लीजिए। मेरे पास चिकन है, ये कम से कम 12 के करीब इसके पीसेज हैं मेरे पास विद बोन्स, ठीक है। और मेरे पास केचप है, मशरूम्स हैं, ये मैंने तीन ली थी, तीन मशरूम्स हैं ये काट ली हैं। अनियन है मेरे पास एक बड़ी, और ये शिमला है कम से कम दो शिमला है, विनीगर है, कुटी हुई मिर्च डालेंगे और सॉल्ट टू टेस्ट। सबसे पहले एक फ्राई इसमें कढ़ाई में मैं एक चम्मच के करीब ऑयल डालूँगी, इसको थोड़ा गर्म होने दूँगी जब तक मैं अपनी चिकन जो है उसमें ब्लैक पेपर डालकर जरा से इसको मिक्स कर लूँगी। ऑयल टेस्ट कर दिया मैंने और इसको पेपर में डालकर अच्छे तरीके से उसकी आँच ऐसा कर दूँगी कढ़ाई की और इसको हल्का सा इसको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। इसको तेज आंच पे रखना है और इसको हम अच्छे तरीके से सॉटे करेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, थोड़ा सा सॉटे हो जाएगी और फिर उसको इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मेरी जो ये चिकन है जो काली मिर्च में और ऑयल में डाल के मैंने सॉटे के लिए रखी थी ऑलमोस्ट हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब इसी पैन में हम ऑयल डालेंगे ताकि इसकी सॉस रेडी कर सकें। देखिए मैंने इसमें कम से कम 2 चम्मच के करीब बड़े ऑयल डाल दिया है। अब मैंने इसकी आँच भी बढ़ानी है, आँच मैंने बढ़ा दी है और अब मैं इसमें डालूँगी अपनी शिमला, अनियन और मशरूम।
और मैं इसमें विनीगर डाल रही हूँ, कम अज़ कम ये 3 चम्मच है। और इसमें मैं भी काली मिर्च डालूंगी। कुटी हुई मिर्च है ये कम अज़ कम 1 चम्मच के करीब डालती हूँ। अब इसको अच्छे से हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने इसकी आंच जो है बिल्कुल ज़ीरो कर दी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और अब मैं इसको मिक्स करूँगी थोड़ा सा थोड़ी देर तक। इसमें मैंने लहसुन डालना है, ये मैं लहसुन डाल रही हूँ, मिक्स करेंगे। और अब इसमें जा रहा है केचप। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं मिक्स करूँगी हल्की आंच पे। ये हमारा सॉस है। और फ्रेंड, मैंने इसमें सॉल्ट 1 टीस्पून मिला दिया, आप जितनी चाहे अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। देखिए, मैंने अब इसकी आँच तेज़ कर दी है। मेरी सॉस रेडी हो गई है। अब हम हमारी जो चिकन थी जो हमने अलग करके रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही चटपटी सी मज़े की बनती है ये और बहुत जल्दी बन जाती है, विद इन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। तो चिकन ऑलरेडी बहुत जल्दी गल जाता है। पाँच मिनट तक चलाएंगे क्योंकि हमने इसको चिकन को पहले सॉटे किया था तो हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है। देखा जाए तो ये डिश हमारी ऑलमोस्ट रेडी हुई है। फ्रेंड्स, अब इसकी आँच हम बिल्कुल जीरो कर देंगे और इसको आप बस 2 मिनट और पकाएं। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है, चिकन विद मशरूम्स। आई होप कि आपको ये पसंद आए और आप लोग इसको शेयर भी करेंगे, ट्राई भी करेंगे और मुझे ज़रूर फीडबैक देंगे। आई होप कि आप लोग इसको घर में बनाएंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये कैसी बनी।
ओके फ्रेंड्स, सी यू, बाय बाय।